Assalamualaikum friends. Today we will discuss about new chapter and last chapter trigonometric function. आज हम discuss करेंगे last chapter first year पे trigonometric equation पे. ये बहुत अच्छा और बहुत जो है difficult chapter है पूरे first year के syllabus पे. ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की जब इक्वेशन हमारे पास आ जाए तो हम उसे कैसे सोल्व करें, क्योंकि हमने काफ़ी सारे इक्वेशंस, काफ़ी सारे एक्सप्रेशन सोल्व किए हैं. तो आज हम बेसिकली ये सोल्व करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर आ जाए हमारे पास तो हम उसे कैसे डील करें और उसकी थ्योरी क्या बता रही है और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बेसिकली डेफिनेशन क्या है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे. तो आओ स्टूडेंट्स, the equation in which at least one trigonometric function are present, then such a equation is known as trigonometric function. ऐसी equation जिसमें at least एक trigonometric function हो, at most कितने भी हो सकते हैं, लेकिन at least जो है वो one trigonometric function किसी भी equation में involve होगा, तो basically हम उस equation को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन में 5. हमें एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे कोसेक जो है वो क्या बने, 2/5. तो हम ऐसी एक्स की इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो ये भी एक बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई. sin थीटा + cos थीटा इज इक्वल टू 1. हम थीटा पे कैसी वैल्यू डालें जो इसका 1 जो वैल्यू है वो 1 हो जाए, और लास्ट में कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है वो 2/5 हो जाए, हम थीटा पे कौन सी वाली पॉइंट्स जो है वो यहां पर पुट करें. तो इसे हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि वो भी तो एक इक्वेशन होती है. देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और आइडेंटिटीज जो है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें क्या फर्क है, हम इस पे भी स्टडी करेंगे. हम इसे भी कह सकते हैं कि ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, पर इसे हम जो है वो आइडेंटिटी भी कहते हैं. तो इसमें और आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हम जो है वो डिफरेंस फाइंड करेंगे, लेकिन अब चलते हैं इस टॉपिक पर. देखो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि मैं आपको 1, 2, 3 ऐसे इक्वेशंस के वैल्यू फाइंड जो है वह यहाँ पर करूंगा, जैसे आपकी बेसिक जो है वो मजबूत हो और जो नेक्स्ट क्लास है वो आप इजीली अटेंड कर सको और आप उसे समझ सको. तो देखो, साइन थेटा इज इक्वल टू 0. पहला क्वेश्चन कि भाई साइन थेटा 0 के बराबर है, मुझे थेटा की वो वैल्यू बताएं, थेटा की वो वैल्यू बताएं जहां पर साइन जो है वो 0 होती है. और मैं आपसे ये भी पूछता हूं कि ये सर्कुलर में जो है वो ऐसी बड़ी ऐसी जो है वो ह्यूज वैल्यू हमें मिल जाएंगी जिसमें इसका वैल्यू, जब हम थेटा पे कोई वैल्यू डालेंगे तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो ऐसी ज्यादा हमें वैल्यू मिलेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एक सिंगल पॉइंट मुझे बताएं कि कौन सी यहाँ पर मैं डिग्री डालूंगी जो है इसका वैल्यू 0 हो जाएगी. 0 हो जाए तो आप बोलेंगे 0 डिग्री, पहले 0 डिग्री यहाँ पर पुट करो सर, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा. ठीक है, दूसरी और चले तो दूसरा इसका वैल्यू 0 कहाँ पर होता है. देखो, ये अल्टरनेट होता है ना ग्राफ, कास का भी अल्टरनेट ग्राफ होता है, सॉरी साइन का है. साइन का ग्राफ भी क्या होता है, अल्टरनेट होता है. कैसे, पहले वो होता है 0 पे, फिर 90 पे आता है, फिर 0 पे आता है, फिर 90 पे आता है, फिर 0 पे. सो ऐसे वो जाता है, उसके बीच में भी वैल्यू आ जाता है एज लाइक 45 डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन हम बिग और जो है वो छोटे वैल्यू के दरमियान बात कर रहे हैं. ठीक है, तो 0 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है. देखो हम इसे समझें कैसे, पहली पॉइंट पे साइन 0, फिर 90 पे साइन 1, फिर 180 पे 0, फिर 270 पर 1, फिर 360 डिग्री पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. रिपीट करते हैं, पहले 0, 90 पे 1, 180 पर 0, 270 डिग्री पर फिर -1, एंड 360 डिग्री पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, मैंने इससे पहले बात की कि 270 डिग्री पर 1 हो जाएगा, वहां पर 1 नहीं हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि वो क्वाड्रेंट तीसरा है और तीसरे में साइन क्या होती है, नेगेटिव होती है. तो ऐसे हम चलते हैं. देखें, अब 0 पे 0, 90 पे 1,
ठीक है, 180 पे फिर 0, 270 डिग्री पर, सॉरी 180 पर फिर 0 हो जाएगा ये, इट मींस पाई पर, फिर चलेंगे तो 270 डिग्री पर माइनस पर, फिर नीचे चलेंगे तो 200 पर ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे आप जब आप ग्राफ को चेक करेंगे ना यहाँ से, तो आपको पता चलेगा ठीक है, ये यहाँ पर 2 पाई होता है, 360 डिग्री पर 0 होता है साइन, ठीक है। तो ऐसा ऐसी उसकी कंडीशन होती है, आगे बात समझ में नहीं, 0 पाई 2 पाई, इन 30 पॉइंट इन सब पॉइंट्स पे जो साइन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हम इसकी पॉइंट को देखकर हम ये भी पता जो है लगा सकते हैं कि 3 पाई पर, 4 पाई पर, 5 पाई पर, 6 पाई पर, 7 पाई पर, अप टू n पाई तक, वेयर वेयर n वेयर और प्लस माइनस, प्लस में भी माइनस में भी वैल्यू, आप जो है वो पॉजिटिव भी रूटेड कर सकते हो और एंटी क्लॉक वाइज भी रूटेड कर सकते हो और क्लॉक वाइज भी रूटेड कर सकते हो, दोनों पर आपको इसकी इस एंगल पे जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू n पाई, यहां पर n बिलोंग्स टू थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा n पाई, जो यहां पर n है वो बिलोंग्स कर रही है थीटा को, यहां पर आपने समझ लिया कि n पाई तक ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि यहां पर सर n क्या है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि n जो है ये बिलोंग्स कर रही है इंटीजर से, ठीक है, ये बात है कि n जो है यहां पर वो बिलोंग्स किसके कर रही है, इंटीजर से। इंटीजर कैसे, आप यहां पर 0 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, -1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, -2 भी डाल सकते हैं, ऐसे जो है इंटीजर के नेगेटिव पॉजिटिव सब वैल्यू यहां पर n पर आप डालते जाओगे तो nth टर्म तक इसकी सब वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इट मींस दैट यहां पर हमने एक सेट सीख लिया कि साइन 0 किस वैल्यूज पे जो है वो 0 हो जाता है, हमने सारा सेट सीख लिया यहां पर। सो ये 0 से अप टू n तक और n बिलोंग्स कर रही है इंटीजर से, हम सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो हमने पहली कंडीशन चेक कर ली और पहला सेट भी बना लिया कि साइन 0 किस किस वैल्यू और किस किस डिग्री पर होती है, ठीक है, किस किस रेडियन फंक्शन और किस किस जो ये डिग्री पर उसका वैल्यू 0 होता है। जैसे 0 पे प्लस पाई, माइनस प्लस माइनस पाई, प्लस 2 माइनस पाई, प्लस 3, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, इन सब पे इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही साइन का दूसरा वैल्यू लेते हैं और चेक करते हैं कि साइन जो थीटा है वो 1 कहां पर होता है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं कि साइन थीटा जो है वो 1 कहां पर होता है। अभी देखो यहां पर आप क्या पुट करेंगे, आपको 1 मिल जाए तो आप इजीली ये अंडरस्टैंड लिया, आपने टेबल पूरी जो है प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ी भी है कि सारी टेबल कैसी होती है, साइन 90 कितने के बराबर होता है, साइन 180 कितने के बराबर होता है, साइन 270 कितने के बराबर होता है, ये सब आपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस जो है वो अपने सिलेबस में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा जब आप 90 डालते हो तो तब आपको इसका वैल्यू 1 मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर यह भी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा की वैल्यू फाइंड करें, लेकिन प्योर उसका वैल्यू 1 आना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप -1 डाल दें, नहीं, प्योर वैल्यू आपको क्या आना चाहिए यहाँ पर, -1। तो 0 पे 0 होता है, 90 पे साइन 1 होता है, फिर आएंगे 180 पर जो साइन है वो 0 हो जाता है, फिर आएंगे 270 डिग्री पर, 270 डिग्री पर जो साइन है उसका वैल्यू 1 तो आता है, लेकिन वो 1 माइनस में होता है, तो हम इस पे इंक्लूड उसे नहीं करेंगे। फिर 200 पर क्या आता है, 0 आता है, लेकिन फिर उस 200 इट मींस 360 डिग्री पर आप 90 को ऐड कर लो तो आपका हो जाता है 450, ठीक है, 40 इसमें डालो 450, 450 पर आप जब ग्राफ पे जाओगे और देखोगे तो ये क्वाड्रेंट जो है ये आपका हो जाएगा, ये देखो यहां पर आपका पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर अब आपने 360 पर 90 जो है वो ऐड किया तो आपका इस क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये क्वाड्रेंट जो है इसमें साइन पॉजिटिव होती है और 90 जो है इसमें साइन का वैल्यू जो है 1 बनाता है, तो दूसरी एंगल जो आपकी हो गई वो हो गई 450, ठीक है। फिर आओ अगर मैं यहां पर ये एंगल आपसे पूछूं कि ये एंगल क्या होगी, -270, तो आप इसे ऐसे चेक करेंगे कि सर
जीरो से नीचे की ओर, क्योंकि ये नेगेटिव की एंगल है, तो ये जीरो से नीचे ये -90, ये आ जाएगा -180 और ये आ जाएगा -270। तो -270 जो है इस क्वाड्रेंट में लाई करता है और इस क्वाड्रेंट में जो साइन है वो पॉजिटिव होती है और 270 डिग्री पॉजिटिव पर इसका वैल्यू माइनस बनाता है और 270 माइनस की डिग्री पर साइन का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव बनाता है। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, टेबल की हेल्प से या ऐसे ही जिसे आपने सीखा है। तो इन तीनों के वैल्यू जो है वो वन आते हैं। हम इसे रेडियन फंक्शन में चेंज करें तो पाई बाई टू, इसे हम लिख सकते हैं 5π/2। आप इसे चेंज कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई करें 180 डिग्री से, सो 0, 0 से कैंसिल हो गई और आप अब जो है वो 9 का फॉर्मूला इसे अप्लाई करें, 5 × 450 2 × 80, ठीक है, सो 5 × 4 ये दूसरा हो गया और हम इसे लिख सकते हैं -3π/2, ठीक है। तो ये रेडियन फंक्शन में जो है वो कन्वर्ट हो गए। अब आप इसे देखकर और लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करो कि इसका सेट क्या बन सकता है। देखो यहाँ पर इसका वैल्यू 8 आ गया, यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर -3, ये सब 8 में तो है लेकिन कुछ कुछ 8 यहाँ पर मिस है, एज लाइक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर -5/2 यहाँ पर मिस है, +3π/2 यहाँ पर मिस है, तो कुछ कुछ 8 के जो है वो मिस है। तो इसका जो सेट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, थीटा इज इक्वल टू 4n-1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां तक n जो है वो बिलोंग्स इंटीजर से करता है। आप चेक कर सकते हैं, देखो इंटीजर्स में आप जीरो भी पुट कर सकते हैं, प्लस वाले भी पुट कर सकते हैं, माइनस वाले भी। मैं अगर यहां पर प्लस की निशानी शो करूं तो ये प्लस के हो जाएंगे, अगर यहां पर मैं माइनस की निशानी शो करूं तो ये सारे टर्म माइनस के हो जाएंगे, लेकिन मैंने यहां पर ओनली प्योर इंटीजर रखा है तो इसकी माना है कि आप जीरो पुट कर सकते हैं, प्लस भी माइनस भी सब आप वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हो। तो चले आप पहले जीरो पुट करें यहां पर, तो ये सारा जीरो हो गया और इसकी वैल्यू हो गई, यहां पर आप जीरो पुट करें तो एन पे जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और यहां पर जवाब आ जाएगा -π/2, यहां पर हमारा -π/2 सॉरी ये यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहां पर माइनस नहीं यहां पर प्लस हो जाएगी। तो अब जब आप यहाँ पर प्लस की यहाँ पर आप जीरो पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो π/2 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। फिर जब आप यहाँ पर 1 पुट आप यहाँ पर करो तो ये आ जाएगा 4n1 5 π/2 भी आपका आ गया, और जब आप यहाँ पर -1 पुट करोगे तो -4 + 3 - 3π/2 ये भी आ गया, तो इसका सेट ये बनेगा। अब आप इसमें अगर 2 पुट करें तो ये हो जाएगा 8 और 1 9/2, तो ये इसका दूसरा वैल्यू आ जाएगा 9π/2। अगर आप यहाँ पर ऐसा माइनस का पुट करें, माइनस के 2 पुट करें तो -8 1 इट मींस -7π/2, ठीक है। तो ये इसका एक सेट बनेगा, तो ये उसका सेट है जहां पर साइन क्या होती है 1 होती है, 4n+1 4n+1π/2 where n belongs to integer, ये ऐसा सेट है जहां पर थीटा की वैल्यू जो है पुट करने से हमें जवाब क्या मिलता है 1 मिलता है, ठीक है। तो ये इसका सेट है, sin 0 का फाइंड किया है, sin 1 का फाइंड किया है और लास्ट अब हम करेंगे sin थीटा इज इक्वल टू -1, sin थीटा इज इक्वल टू -1। चलो इसे भी चेक कर लेते हैं इसका क्या होता है। देखो अब sin जो है वो -1 हमें फाइंड करना है। आप ये बताओ कि साइन जो है वो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट पे है तो आप इजीली नेगेटिव की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। साइन एक तो नेगेटिव होता है तीसरे क्वाड्रेंट में और एक होता है चौथे क्वाड्रेंट में, क्योंकि पहले और दूसरे में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तीसरे और चौथे में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। तो पहले ही हम चेक करेंगे इसे इसके तीसरे क्वाड्रेंट को 270 डिग्री, तो पहला इसकी जो डिग्री आ जाएगी वो आ जाएगी 270 डिग्री, इसका वैल्यू जो है वो 1 तो आएगा लेकिन ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसीलिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा -1, ठीक है। और दूसरा -90, आप पहले ऐसे गए 270 डिग्री पर, ठीक है, और अब आप जा रहे हो यहां से नीचे नीचे जा रहे हो, इट मींस आप क्लॉक वाइज जो है वो रोटेट कर रहे हो और 90 डिग्री पर इसका जो भी वैल्यू होता है 90 डिग्री पर
उसका एंगल क्या होता है माइनस वन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो माइनस में, और चौथे क्वार में साइन क्या थी होती है माइनस होती है, ठीक है। और दूसरा के जब आपका वैल्यू प्लस 450 पर 1 था तो एग्जैक्टली माइनस 450 पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसे रेडियन में कन्वर्ट करें 3 पाई बाई 2, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 पर ये किसमें माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कि इसमें क्या जो है वो इसमें क्या फलसफा है, देखो अब इनमें ये है कि यहां पर माइनस वाला था यहां पर प्लस वाला है, यहां पर माइनस पाई बाई टू है यहां पर वो प्लस की थी, यहां थ्री पाई बाई है तो यहां पर वो माइनस की हो गई। तो इसके हिसाब से इसका जो सेट बनेगा वो थेटा सेटिस्फाई करेगी फोर एन माइनस वन, जो मैंने पिछले में नहीं लिखा था माइनस, वो यहां पर आ जाएगा फोर एन माइनस वन पाई बाई टू, ठीक है। फॉर ऑल वेयर कुछ भी लिख सकते हैं थेटा बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है भाई, थेटा जो है वहां पर यहां पर बिलोंग्स किससे कर रही है इंटीजर से, सही लिखूं एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो यहां पर आपकी जो थेटा है वो बिलोंग्स कर रही है इंटीजर से, आप इसे चेक कर सकते हैं, यहां पर जीरो डालो तो माइनस पाई बाई टू आपका आ जाएगा, वन डालो तो 4 माइनस 1 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, यहां पर माइनस 1 आप डालोगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 बाई 2, ये भी आपका जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब हमने इस लेक्चर में ये सीखा है कि सेट इक्वेशन के कैसे बनाएं, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जब हम सेट बनाते हैं तो हमें हेल्प मिलती है, आगे वाले क्वेश्चन में हम उसे इजीली कर सकते हैं। तो अब मैंने बनाया है जीरो के जीरो का सेट, वन का सेट और माइनस वन का सेट। आपको ये होमवर्क है कि आप कराएंगे यहाँ पर इंशाल्लाह, मैं पिछले वीडियो में पूरी इक्वेशन डिफाइन करूंगा और इसके काफी सारे क्वेश्चन करूंगा। तो अब आपको ये होमवर्क है कि आप कास जीरो कास माइनस वन और कास वन जो है वो आप फाइंड करेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में।